आओ आज राजस्थान हिस्ट्री में अपन मेवाड़ के अंदर कुंभा में देखते हैं कुंभा के ग्रंथ। ठीक है, पहले अपन ने जैसे इससे पहले देखा था कुंभा की वास्तुकला है ना, इसमें देखो दो करेक्शन है छोटे से। वैसे तो अपन ने पहले सही पढ़ा हुआ है, इसमें थोड़ा सा लिख गलत गया। एक ये निकाल लो, अपने जो अपन ने पढ़ा था ना विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के अंदर लिखा हुआ अपने सारंगपुर का युद्ध बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ डेट आ गई 1436 है ना, इसमें लिखा हुआ ना उपलक्ष्य, ये इसको सेवन करो एक, तो ये 1437 वहाँ जहाँ अपन ने मालवा पढ़ा ना उसमें 1437 है। ठीक है, और जैसे कहीं भी हो ये सारंगपुर का युद्ध, तो उसको आंसर में 37 ही करना है ना, क्योंकि क्या है कि कई जगह ये जैसे है ना 4037 भी 36 भी, लेकिन ऑथेंटिक 37 है जैसे आरबीएससी में जो लिखा हुआ है। एक तो चीज़ ये, अब दूसरा जैसे क्या याद हो जाएगा, देखो 37 तो यहाँ है, और जैसे अपन फिर गुजरात में पढ़ते हैं थोड़े 37 तो यहाँ है, और अपन गुजरात पढ़ते हैं उसमें 57 है ना, जैसे 1857 बन रहा है, 1857 याद मत रखो, 1457 याद रखो। तो ये दोनों युद्ध हैं जो कुंभा से इंपॉर्टेंट हैं, 37 इज मालवा, 37 में 20 जोड़ देंगे तो 57 आ गया, वो गुजरात है। चंपानेर की संधि, बदनौर का युद्ध, कुशाला माता का मंदिर, पढ़ा अपने सब ऐसा। एक तो करेक्शन ये था, और कहीं थोड़ी चंपानेर सॉरी अपने सारंगपुर का युद्ध 36 लिखा हुआ हो कहीं भी नोट्स में, और कहीं मालवा वाले में देख लो, मालवा वाले में 37 ही लिखा हुआ है, मेवाड़ मालवा जो अपने लिखा था ना, है ना। एक तो करेक्शन ये है, और दूसरा करेक्शन क्या है, देखो ये कि मंडन वाला है ना, मंडन वाला। देखो इसमें क्या था, मैंने आपको बताया कि शिल्पाचार्य है, तो नो डाउट कि शिल्पाचार्य है, ये उपाधि मंडन की ही थी। ठीक है, मंडन की थी उपाधि, लेकिन जहाँ तक विजय स्तंभ की बात है ना, तो विजय स्तंभ के अंदर अपन मंडन का नाम नहीं लिखेंगे कि विजय स्तंभ के वास्तुकार के रूप में और शिल्पकार के रूप में, उसमें नाम किसका आएगा। इधर देखो ये जेता और ये नापा नापा पोमा पूंजा, ये मंडन को नहीं लिखेंगे। तो अब आपका दिमाग एक थोड़ा सा लगाओ, कल अपन ने पढ़ा था, अपन पढ़ रहे थे कुंभलगढ़ है ना, तो मैंने बताया था कि देखो कुंभलगढ़ की नींव डल गई, और अभी तो कुंभलगढ़ बन रहा है, और अभी विजय स्तंभ बनने के अंदर टाइम लगेगा। एक बार देखो नोट्स निकालो, और कुंभलगढ़ का टाइम क्या है, कब बनना चालू हुआ, 1400 1443 समझ लो, और ये विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ, पहले कौन सा चालू हो गया, तो मंडन कहाँ बीजी है, कुंभलगढ़ में है ये, उसको टाइम ही नहीं है वहां से, वो कटारगढ़ पे है यार, इसको ऊंचाई अपन को भाई लभाना नहीं है, तो यहाँ कौन बिजी है, यहाँ इसके और भाई बिजी हैं, पिताजी के संरक्षण में काम कर रहे हैं ये, है ना। तो ये मंडन यहाँ से हटा दो एक बार, ठीक है, ये मतलब मंडन में उस समय बताना यूँ चाह रहा था कि प्रमुख शिल्पकार यही था, शिल्पाचार्य जिसकी उपाधि थी वो उपाधि किसकी थी, मंडन की थी, समझ गए। ये चीज़ें करेक्शन, कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना ये वास्तुकार, वास्तुकार में नाम आएगा जेता व उसके पुत्र, मंडन लिखा रहने दो लेकिन लिखे रहने पे यू ऐसे क्रॉस लगा दो, और ये नापा पोमा पूंजा एनपीपी इसमें बना रहेगा, और यहां पे लिख लो मंडन बराबर कुंभलगढ़ 1443 है ना, वो काले का आगे क्वेश्चन में भी हो रखा है करेक्शन। और यहाँ पे उस दिन बताना था, लेकिन वो शिल्पाचार्य के अंदर थोड़ा सा बिजी, उधर फोकस उधर निकल गया, इस कारण से रह गया। हाँ सेकंड लास्ट वो क्वेश्चन है ना, आगे ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, मंडन कहाँ है, मंडन यहाँ है। अब क्वेश्चन, अब आप देखो इसमें ये मत सोचो कि यार विजय स्तंभ के अंदर नहीं है मंडन, तो फिर मंडन शिल्पाचार्य कैसे हो गया, क्योंकि कुंभा के लिए विजय स्तंभ से ज़्यादा महत्वपूर्ण था एक नई राजधानी के रूप में कुंभलगढ़। जान है तो जान है, जान ही नहीं तो क्या है, इधर अपन मालवा से गिरे हुए, उधर गुजरात से गिरे हुए, तो एक अपन को नई राजधानी जरूरी है बनाना, तो मतलब एक नया दुर्ग उन्होंने बनाया कुंभलगढ़। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में तो सिर्फ विजय स्तंभ बनाया था, चित्तौड़ में जो गढ़गढ़ वाला सेक्शन था वो तो ऑलरेडी बना ही हुआ था, किला तो बना ही हुआ था, आपको सिर्फ टावर टावर बनाना उसके अंदर ऐसे। और जबकि वहाँ देख लो आप कुंभलगढ़ पूरा, वो प्राचीर की देखी थी अपन ने, एस्ट्रो से तुलना करी, महान दीवार कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर, चार घोड़े, और फिर कुंभलगढ़ कटारगढ़, और फिर ऊपर बादल महल, अबुल फजल पगड़ी, कितना एलिवेशन है ना। तो ये दो चीज़ों पर आप ध्यान रखो, मंडन का नाम जोड़ना अपन को कुंभलगढ़ से, और वो बिजी है वहाँ पे, बाकी सब फिट है बिल्कुल। और कौन सी मंजिल में लिखा हुआ है तीनों बाप बेटों का नाम, आया था ना क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, कौन सी मंजिल, पांचवी मंजिल पे ऐसे है ना, इसमें यहाँ डैश करके लिख लो फिफ्थ फ्लोर, जैसे तीनों लिखा ना अपन, ये यहाँ लिख लो फिफ्थ फ्लोर ये। देखो इसको यूं कर दो, 5 पे 4 है ना, आगे वो टेबल में लिखा हुआ ना, देखो टेबल टेबल बनी हुई उसमें,
नहीं नहीं इसमें ही क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में जहाँ वो बुद्ध वाला फैक्ट लिखा हुआ है। आरन ये दिनेश पुरानी है क्या? अभी वाली है? नहीं उसमें है ना कि वो देखो है वो बुद्ध वाला कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है, क्लू के रूप में लिख लो। 5 पे 4 है ना, 5 पे 4। 4 क्या, एक तो जेता है पिताजी और 3 बेटे नापा फमा और पूंजा, ऐसे मंडन का नाम नहीं है यहाँ पे। मंडन कहाँ बिजी है? मंडन कुंभलगढ़ में बिजी है। अच्छा निर्माताओं के नाम, हाँ जेता वो उसके 3 पुत्रों के नाम बिल्कुल। तो 1 प्लस 4 हो गया ना, जो 5वीं हो गई। 5 पे 4 यहाँ पे लिख दो, ये है ना कॉलम यहाँ पे। तो देखो ये 3 पुत्र है ना, तो 3 पुत्र में यहाँ पे ये नापा, यहाँ लिखा हुआ देखो नापा पोमा पूंजा। तो वह मंडन जैसे मैं लिखवा यूँ चाह रहा था कि भाई शिल्पाचार्य है सबसे प्रमुख और ये मेन ये रहा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो मैं समझाना चाह रहा था करेक्शन के रूप में वो यहाँ है। तो ऐसे यूँ कर दो, 5 पे 5 पे 4। तो 4 व्यक्ति कौन है? 3 तो पुत्र है और 1 उनके पिताजी हैं। जे अपन बनाया उसको, हमेशा उस पेरेंट ट्री को याद रखो, जे नापा पोमा पूंजा ये आ गया और सबसे सीनियर मंडन। चारों भाइयों के अंदर सबसे होनहार मंडन ही था, लेकिन मंडन को जिम्मेदारी दे रखी है आपने कुंभलगढ़। ओके बाकी फिट है सारी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ कोई क्वेश्चन आपको लगाओ अटपटा, इधर उधर जा रहा हो कहीं? लो अपन देख लेते, देखो ग्रंथ ना, अब नेक्स्ट मेन टॉपिक अपना कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। तो सबसे पहले लिखा हुआ कलम व कटार के धनी, तो मेंस में जैसे काम आती है कलम मतलब ये कलम और कटार मतलब जैसे युद्ध में भी पीछे नहीं था और दोनों के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ है बैलेंस था। ऐसा नहीं कि युद्ध करने लगे तो युद्ध में ध्यान, ऐसा नहीं है कि जब कलम का काम करने लगे मतलब वास्तुकला किताब वास्तुकला ग्रंथ से जुड़े तो सिर्फ यही है ना, क्योंकि ये एक जो बैलेंस था ना यही इनको यूनिक बनाते हैं। 3 शासक मैंने आपको बताए थे, कुंभा कृष्णदेवराय और शिवाजी, उन लोगों में बैलेंस था। अब जैसे अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे महाराणा सांग आएंगे वो केवल एक पॉलिटिकल पे फोकस है, महाराणा प्रताप आएंगे कंपेरेटिवली उनको माहौल ही ऐसा मिला कि वो पॉलिटिकल के अंदर ही फिक्स होकर रह गए। सिर्फ जैसे अपन पढ़ते हैं एक उसमें कल्चरल में तो सिर्फ वो चकपानी का नाम आएगा उसके अंदर जो अपन ग्रंथ देखेंगे विश्व लोग। ठीक है तो आ जाओ, तो अपन देखते हैं कुंभा एक ग्रंथ। तो पहले एक बार तो नाम पढ़ लो है ना, फिर उसके अंदर सारे अपन जैसे देखेंगे। क्वेश्चन आपने देख ही लिए है ना, कंपेरेटिवली थोड़ा सा इसमें मामला टाइट है तो वो अपन पहले एक बार देख लेते हैं नाम। तो सबसे पहले तो देख लो, सबसे पहला नाम क्या है? संगीत राज ग्रंथ का नाम, ठीक है ना। दूसरा है संगीत मीमांसा, ठीक है संगीत राज संगीत मीमांसा। तीसरा है, तीसरे के अंदर पहले इसको हाईलाइट करो, सूड प्रबंधकों, सूड है ना, और ये ओ की मात्रा बड़ी कर दो, सूड प्रबंध। नेक्स्ट है सुधा प्रबंध, ठीक है इन दोनों पे यूँ ब्रैकेट लगा लो, 1 और 2 के ऊपर ब्रैकेट है, संगीत राज संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और सुधा प्रबंध, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे ये सूड सुधा और वाद, यहाँ लिख लो आप वाद प्रबंध, वाद प्रबंध। तो ये 3 एक साथ चलेंगे प्रबंध वाले, कौन? सूड सुधा और वाद, वाद ये नीचे आ रहा है ना, ये वाद क्लबिंग यहीं करेंगे अपन इसकी वाद प्रबंध की। तो 3 ये प्रबंध एक साथ आ गए, सबसे पहला प्रबंध सूड प्रबंध, देन सुधा प्रबंध और तीसरा वाद प्रबंध हो गया। अब देखो क्या है, हरि 2 नाम आ रहे हैं, एक तो हरि नाम आ रहा है, एक दीपी का नाम आ रहा है, और इन दोनों को मिलकर क्या करना है? नृत्य करना है, ठीक है। कपल डांस होएगा, कैसे? ये तो हो गया हरि, ये हो गई दीपिका, और डांस हो गया, डांस से क्या हो जाएगा? नृत्य, समझ रहे हो? ये इसको अपन के ये 3 ये क्लू के रूप में है। पहले सबसे पहले तो अपन ने 2 एक साथ देखे, ठीक है ना, 2 वो जो ऊपर 2 देखे ना उसमें आप मेरा नाम लिख लो, ये राकेश मीना है कि नहीं है? तो राज से तो क्या है और मी से खत्म, तो 2 तो हो गए। 3 अपन ने प्रबंध देख लिए भाई, सरका पास अपन देखे, अपन चीज़ों का प्रबंध सीखे कि कैसे टॉपिक के ऊपर होल्ड बनाना। अभी जस्ट पहले डिस्कस किया ही था अपन ने मानवाधिकार के संबंध में, जैसे मैंने बताया था संगठन के संबंधों में, तो प्रबंधन अपन सीख गए है ना। और प्रबंध पे टोटल कितने थे? इस पे घात लगा लो, इसके 3 प्रबंध आए थे। एक तो था सूड,
एक था सुधा और एक था वाद, समझ गए? ठीक है ना, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध और वाद प्रबंध, मतलब प्रबंध की घात पावर, प्रबंध टू द पावर 3 अपन ने करी है, तीन प्रबंध आएंगे, सूड, सुधा एंड वाद। क्या दिक्कत बताओ मेरे को उसके अंदर, समझ गए यहाँ तक? फिर आते हैं, फिर जो तीन आ रहे हैं ना, फिर ये तीन इस कपल की अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या कपल है? एक व्यक्ति का, मेल का नाम क्या है? हरी। फीमेल का क्या नाम है? दीपिका। और वो क्या कर रहे हैं? दोनों डांस कर रहे हैं। डांडिया का समय आ रहा है, ये डांडिया हो रहा है, ठीक है? तो देख लो इधर, हरी वार्तिक, संगीत क्रम दीपिका और नृत्य कोश। अगर आप एक बार रूट वर्ड पकड़ लिया ना, आपने आप सारा घुमा दो खेल। अब जैसे मुझे बताओ, हरी अगर ध्यान आ जाएगा तो आपके हरी वार्तिक नहीं लिख सकते हो क्या? दीपिका ध्यान आ जाए तो क्या संगीत क्रम दीपिका नहीं लिख सकते हो क्या? दिक्कत कहाँ हो जाती है? अपन इसको पूरा याद करने की कोशिश करते हैं, अपने फोकस ही नहीं किया दीपिका पर। और अगर अब आप जैसे दीपिका फोकस करने दो ना, तो जहाँ दीपिका नाम आ गया तो आपको अब इतना तो पता ही है कि यार कुछ न कुछ इसमें आगे पीछे घूमेगा, फैक्ट आगे पीछे और कुछ है, तो संगीत क्रम दीपिका ऐसे है ना। पहले डांस किया हरी ने, अब क्रम है दीपिका का, क्रम है ना, देखो लिखा हुआ ना क्रम, संगीत क्रम क्या, महिला संगीत के अंदर अब क्रम है नाचने का, किसका? दीपिका का। तो संगीत क्रम दीपिका और हरी वार्तिक, खत्म। जैसे हरी कार्तिक आप इसको पढ़ लो, तो जैसे कार्तिक होता है अपने लड़कों का नाम होता है कार्तिकीय कार्तिक, तो हरी और कार्तिक और संगीत, महिला संगीत में आप क्रम किसका डांस करने का? दीपिका का। तो ऐसे ही फ्लो से याद हो जाएगा आपको संगीत क्रम दीपिका, अच्छा ठीक है। तो देखो दो ये हो गए, तीन ये हो गए पाँच, और तीन ये हो गए आठ, समझ गए? अब देखो आगे बाकी जो है ना, ये तीनों देखो इनके अंदर, तीनों के अंदर आ रहा है जैसे काम काम, काम राज रतिसार, काम प्रबोध और एक लिंग मातम्य। वैसे इनको काम काम से कर दो, जैसे अपन बोलते हैं ना कि काम दो काम दो, ठीक है, ये काम दो काम दो, और कम से कम एक काम तो दे दो सर, कुछ तो करूँ मैं बैठा बैठा, एक काम है ना। हर रात को काम दो बोलते हैं ना अपन, तो हर रात को अपन ने एक काम दे दिया, काम से कामराज रतिसार, फिर सेकंड काम प्रबोध, और तीसरा है एकलिंग महात्म्य, समझ गए? अब जैसे कामराज रतिशास्त्र में देखते हैं अपन काम शास्त्र है ना, तो देखो इसमें मैंने बताया था जैसे इसमें भाई, जैसे अपन जैसे बात करते हैं संतान उत्पत्ति वाली, तो जैसे ये क्यों इस पे चर्चा हुई हुई है इस तीन चीजों पे, जैसे अपन जैसे देखते हैं तो आपको ध्यान है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था डिंक का, डबल इनकम नो किड्स। यूरोपियन देश ऐसे हैं जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ग्रसित हैं आज, है क्योंकि जिसमें डबल इनकम, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और उनको किड्स चाहिए नहीं, उनको पैसा कमाने पर ध्यान है। तो चलो यार ठीक है तुम्हारा तो सही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, ह्यूमन रिसोर्स देखें, वो तो पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव होगी, बूढ़े बूढ़े नजर आ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए ये संतान उत्पत्ति वाली पे फोकस इन्होंने इन चीज़ों पर ऐसे किया काम शास्त्र में, तो एक तो चीज़ ही है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये संतान उत्पत्ति वाली बात है, जो बातें हैं वो और क्या, जैसे अपन जैसे देखते हैं कि जो कलाएँ होती हैं है ना, कला जिसको आज जैसे अपन बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं ना अपन, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको गांधी ने बोला नई तालीम, ये वो सब चीज़ें इसके अंदर है। जैसे अपन देखते हैं जैसे ये निर्माण हो रहा था, उधर कुंभलगढ़ बन रहा है, फिर बाद में इधर विजय स्तंभ बनने लगा, तो अपन जैसे देखते हैं कि मूर्तिकला अपने आप में कला के रूप में, तो भाई जरूरी थोड़ी, जैसे आज भी अपन देखते हैं जरूरी थोड़ी कि गवर्नमेंट में इंप्लॉयमेंट हो तभी आप रोजगार गिना जाए, सरकार गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, स्किल्स के अंदर, कि नौकरी लेने से बढ़िया आप नौकरी देने वाले बनो, समझ लो ऐसा ही उस समय कि स्किल डेवलपमेंट में आपको तराशना सिखा, आपको मतलब जैसे बिल्डिंग बनाना सिखा दिया, तराशना सिखा दिया चीज़ों को, आपको लिपि सिखा दी, लिखना सिखा दिया पत्थर पे, कार्विंग करना सिखा दिया, तो वो सारी चीज़ें इस काम शास्त्र में। जैसे एक अपन पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के बरोबर है ये काम, अर्थशास्त्र में तो क्या कि कैसे अर्थव्यवस्था मूव होगी, और काम शास्त्र के अंदर क्या कि कैसे एक सोसाइटी आगे मूव होगी, वो इसके अंदर चीज़ें सारी, समझ गए? इसमें टोटल 7 भाग है कामराज रतिसार के अंदर है ना, ये भाग पूछे जाते हैं, जैसे इसके अंदर 7 है और अभी अपन सबसे पहला पढ़ेंगे ये राकेश वाला, तो उसके अंदर 5 है, ठीक है। तो ऐसे ही याद हो जाएगा अपने, काम काम एक काम दो, कामराज रतिसार, काम प्रबोध और एक से एकलिंग मातम्य, समझ गए? अब देखो नीचे एक मैंने लिख के काटा हुआ है, ये कलानिधि, ये कलानिधि कुंभा का ग्रंथ नहीं है, ठीक है, ये जो मंडन के पुत्र गोविंद, ये उसका ग्रंथ। तो अभी अपन आ जाएंगे आगे डाली अगली सीट पे, सब मंडन और उसके पुत्र का वर्णन है जो अभी पूछे जाते हैं ना, वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने देखो पहले नाम याद किया, पहले नाम याद किया अपन ने, कैसे याद किए? सबसे पहले पढ़ा राकेश मीना, ये पढ़ा अपन ने, ठीक है, ये पढ़ा अपन ने, पढ़ा ये,
तो संगीत राज संगीत मीमांसा। फिर मैंने बताया सर ने हमको प्रबंधन सिखाया, तीन तरह के प्रबंध आए, सूढ़ प्रबंध, सुधा प्रबंध और अपने वाद प्रबंध। फिर इसके बाद सर आपने बताया कि जैसे एक तो हरि है सर, एक दीपिका है और उनका उनको डांस करना है, तो सर हरि से तो है हरि कार्तिक, सर कार्तिक ने उसको अपन कर देंगे वार्तिक, है ना। अब क्या होता है कई बार अपन क्या अपन देखते नहीं यार वार्तिक को मैं वार्तिक ही रखूँगा, नो थोड़ा सा उसको अगर अपन माउल्ड कर दें तो वो मेरे दिमाग में ही तो चल रही है यार चीज़, क्या दिक्कत है कार्तिक से वार्तिक, क्योंकि वार्तिक याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कार्तिक लेकिन ईजी हो जाता है, अपन सुनते रहते हैं। और दीपिका है तो संगीत क्रम दीपिका, महिला संगीत चल रहा था, अब क्रम किसका डांस करने का, दीपिका, ऐसे। और नृत्य से नृत्य कोष, समझ गए। फिर आए काम, काम राज रति सा, फिर काम प्रबोध, और तीसरा एक लिंग मात्र। तो पहले तो ग्रंथों का नाम याद करने की कोशिश करो, हो गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर अपन चलते हैं आगे, आगे क्या आएगा, संगीत राज, भारतीय संगीत की तीनों विधाओं, कौन सी, गीत मतलब मुंह से गाना, वाद मतलब जब अपन कोई यंत्र बजाते हैं वो, और नृत्य का मतलब जैसे जो एक बॉडी का एक्सप्रेशन अपन दिखाते हैं कि कैसे कैसे वो जो बोल रहा है वो बॉडी लैंग्वेज उसकी क्या है, कैसे उसको अपन बॉडी के अंदर उतार के दिखाऊंगा, समझ रहे। तो ये तीनों विधाएं गीत वाद और नृत्य, कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये, कौन सा, संगीत राज, ठीक, इसको इंपॉर्टेंट करो सर्वश्रेष्ठ। फिर लिखा हुआ कितने भागों में है टोटल, ये पाँच भागों में, जैसे अपन ने भी पढ़ा था ना कि पाँच पाँच पे चार, पांचों मंजिल पे चार के नाम लिखे हुए, ऐसे ग्रंथ कितने भागों में, पांच में। तो पहले तो देखो इधर, अभी अपने देखा था संगीत की मतलब जो संगीत की तीन विधाएं होती हैं, क्या क्या कौन कौन सी थी यहाँ पे, गीत वाद और नृत्य। तो सबसे पहली विधा आ गई गीत, दूसरी आ गई वाद, और तीसरी आ गई नृत्य। तो भाई तभी तो अपन बोलेंगे इस किताब का नाम क्या है, संगीत। तो पहले संगीत की तीनों विधाओं तो लेके आओ आप। तो गीत आ गया, गीत का मतलब जैसे मुंह से आपको गा के दिखाना है, फिर मुंह से गा लिया, फिर आपको वाद मतलब कोई वाद्य यंत्र बजाना है, जैसे नीचे कहीं लिखा हुआ होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, तो कुंभा खुद ही कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, वीणा, ये वीणा वही है, वो वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, सरस्वती के हाथ में जो अपन देखते हैं, समझ गए। समुद्रगुप्त भी बजाता था, गुप्त शासक, ठीक है। तो ये चीज है, तो तीनों आ गए संगीत की, गीत आ गया, वाद आ गया, नृत्य आ गया, गीत वाद, समझ गए। फिर अपन आगे क्या देखते हैं, गीत वाद नृत्य, उसके बाद आगे किताब की बात, पाठ्य रत्न कोष, और किताब और कोई भी पाठ अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर रस आता है कि नहीं आता, जैसे अभी ग्रंथ वाले पाठ के अंदर रस आ रहा है अपने को, तो पाठ्य रत्न कोष और पाठ्य रत्न कोष और रस रत्न कोष, ऐसे। तो जैसे इसमें आप जैसे देख रहे हो सब में रत्न कोष रत्न कोष रत्न कोष वर्ड सब में आ रहा है, तो रत्न का तो मतलब आप समझ गए हीरा, है ना, और कोष का मतलब क्या है, ये एक जैसे कोषालय बोलते हैं अपन, ये इकट्ठे की हुई चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब सब चीज़ें मैंने वहाँ से देखी कैसे कैसे क्या गा सकते हैं, फिर उन सारे रत्नों को मैंने यहाँ कोष बनाया, कोष मतलब खजाना है ये गीतों का खजाना है, किस तरह से गाना है, क्या गायकी, क्या वाद्य यंत्र, कैसे क्या होता है, नृत्य कैसे क्या होते हैं, पाठ्य रत्न कोष किस तरह से किताब लिखी जा सकती है, कैसे किताब शुरू हुई कैसे किताब खत्म हुई। कुंभा के ग्रंथ देखे ना अपन, पहले आपको आए तो सही पता चला, आप जो पेजों की चैप्टर्स की टेबल है वो सबसे लास्ट में बना रहे हो, तो फिर वो कहाँ गए मुझे बताओ, फिर कोई बुक है मतलब ने शुरू के अंदर लिखते हैं अपन प्रीफेस, ऐसे ऐसे मैं इनको थैंक्स देता हूँ और ये ऐसे ऐसे, पता चला कि वो तो आपने उसमें डाला ही नहीं, तो ये पार्ट वो किस तरह से किताबें लिखी जानी है ये, और रस रत्न कोष की कैसे जो भी अपन जैसे सारी चीज़ें देख रही कि कैसे उसको यूजफुल बनाना है आने वाली जनरेशन के लिए। भाई इन्होंने देखा, कुंभा ने लिखी, इसने भी तो कुछ ना कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े, जैसे भरत मुनि के ग्रंथ लिखे हुए थे, मैंने अभिनव भट्टाचार्य जैसे बोला तो वो इन्होंने जैसे देखे, हालांकि उस समय पेपर नहीं था लेकिन ताम्रपत्र लिखे हुए इंस्क्रिप्शन उन्होंने देखे, तो ऐसे अपने भी आगे छोड़ के जाओ जो आने वाली जनरेशन को इसके अंदर रस आए। तो गीत वाद नृत्य और फिर पाठ्य और रस, ये जीवीएन याद रहे, गीत वाद नृत्य जीवीएन, गीत वाद और नृत्य, ऐसे ऐसे ही है। तो किताब का नाम है संगीत राज, टोटल इसके भाग है पांच, सबसे पहले वही गीत वाद नृत्य जीवीएन, ठीक है, और फिर पाठ्य रत्न कोष और रस रत्न कोष। तो रत्न कोष वो तो पीछे चलते रहेंगे, आपने को तो गीत वाद नृत्य पाठ्य और रस, आपने क्वेश्चन देख लेंगे कितने क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, अब निम्न में से कौन सा नहीं है क्या नहीं है वो सारा अपन यहाँ देख लेना। अब पहली चीज़ तो देखो यहाँ है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये कुंभा का, लिखा हुआ था ना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, और पांच भागों में, ये पांच भागों के अंदर ये विभक्त है।
अब जो इसका क्वेश्चन आता है, ये तो है संगीत राज, समझ रहे हो। और अपन ने जितने भी अभी नाम देखे इसके, उसमें कहीं पे भी ये राज आ रहा है क्या, कहीं भी रे भी आ रहा है क्या? मुझे संगीत में लगाओ, मतलब ये संगीत वर्ड हटा दो और दूसरा वर्ड देखो उसमें किस में रे भी आ रहा है क्या, आई नहीं रहा सर। देखो अगला आपने बताया मीमांसा, उसके अंदर नहीं आ रहा। फिर तीन प्रबंध हैं सर, सूट सुधा और वाद, फिर तो वही आएगा सर, हरि कार्तिक और संगीत क्रम दीपिका, और अपने फिर एक एक है मतलब नृत्यकोष, और फिर एक एक है मतलब काम काम है कामराज जैसा। तो उसमें सर रे तो कहीं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना कुंभा की और किसी किताब में नहीं आ रहा रे। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी किताब में रे नहीं आ रहा है, लेकिन एक किताब है जिसके अंदर रे आ रहा है, और वो किताब है क्या लिखी, उस किताब का नाम वही संगीत, संगीत तो दोनों के अंदर है, इसमें भी इसमें भी है, लेकिन उस किताब का नाम है संगीत रत्नाकर। ये अब मुझे बताओ, जैसे स्टूडेंट ने संगीत देखा तो संगीत देखते ही वो पकड़ जाता है कि ये कुंभा होगा, लेकिन ये कुंभा नहीं है, ठीक है ना। संगीत रत्नाकर इसमें नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। अभी आप इसे पेज पलटो, पेज पलटो, और उसके आगे लिखे हो कुंभा के दरबारी कवि, उसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा हो सारंगधर, पहला दूसरा होगा सारंगधर। देखो आ रहा सारंग, क्या नाम है सारंगधर की किताब का नाम, संगीत रत्नाकर। तो देखो याद कैसे रहेगा, देखो इधर ये तो है रत्नाकर है ना, और ये है सारंग, ये रह से रह है ये, और सा से क्या है, अपन ने जो लेखक है जो दरबारी कवि उसका नाम क्या है, सारंगधर, सारंगधर। तो सा से तो क्या है संगीत, और रह से क्या है रत्नाकर। नहीं समझे, मैं ये बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति है ना उसका नाम है सारंगधर, सारंग सा रंग, सारंगधर है ना नाम, तो ये सारंगधर है ना, ये तो क्या है सह से तो क्या है ये संगीत है, और रह से क्या है रत्नाकर है। तो संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ किसका है, सारंगधर का है। इसको अलग नहीं निकालोगे तो क्या आता है यार, संगीत राज। तो स्टूडेंट को लगता है कि यार एग्जामिनर ने एक्चुअली पूछना तो चाह रहा था राज ही, लेकिन उसने राज को रत्नाकर लिख दिया, उसको ये नहीं पता कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसका है, सारंगधर, जो कुंभा का दरबारी कवि था, ना कि खुद कुंभा ने लिखा है। बस क्वेश्चन देखोगे आपने तो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो उलझन होती है कुंभा के ग्रंथों में, ये संगीत रत्नाकर में होती है। तो यहाँ पे लिख लो डैश में, इधर जो संख्या बची हुई है ना, ये संगीत रत्नाकर है ना, संगीत रत्नाकर, रत रत नाकर है ना, और नीचे करके लिख लो अपने सारंगधर। एक तो यूँ लिखो, अब जैसे ये याद कैसे रहेगा इस संगीत रत्नाकर, तो नीचे आप सिर्फ नाम लिखो आप अच्छा सा, मिस्टर सारंगधर जी। सैसे तो क्या हो गया, संगीत हो गया, रह से रह को हाईलाइट करो पूरा ये रह, और फिर नीचे लिखना रत्नाकर। ऐसे इसको याद नहीं करोगे ना तो कल ही उड़ जाएगा ये दिमाग से, क्योंकि अभी तो कुंभा के ग्रंथ आए हैं, अभी मंडन जी के आएंगे, फिर उनके पुत्र गोविंद जी के आएंगे, और फिर जब जैसे आप देखोगे ना तो आपकी फिर नींद उड़ जाएगी। ये लिखना अलग से साइड में अपन को। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कुंभा के ग्रंथों का, जहां तक कुंभा के ग्रंथों की बात है, अभी अपन मंडन और गोविंद नहीं जोड़ रहे हैं इसके अंदर, ओनली कुंभा की बात कर रहा हूं मैं तो, ठीक है ना। तो संगीत रत्नाकर है सारंगधर का, मेंस में आता है, प्री में आता है, जैसे मेंस के अंदर संगीत राज लिख देते हैं केवल, तो उसमें सारा लिखना होता है, पांच विधाओं के पांच इसके भाग हैं संगीत की, तीनों विधाएं गीत वाद्य नृत्य के अलावा पाठ्य रत्न कोश और गीत रत्न कोश है, ऐसे तब आएगा नंबर, समझ गए। ये चीज है, फिर अपन जैसे क्या पढ़ते हैं कि इतना कुछ इन्होंने काम किया तो इसलिए इनकी उपाधि होगी अभिनव भरताचार्य, भरता नहीं है ये, बढ़ता है तो मतलब संगीत ज्ञान के कारण। तो अपन ने जैसे शुरू के अंदर जैसे जब उसकी उपाधि पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि अभिनव भरता के अंदर ये भरत मुनि है ना, भरत मुनि ने भरत, आपने वेदांग लिखा है किताब भरत मुनि वेदांग, तो उसमें वो नृत्य की संगीत की तीनों विधाओं का वर्णन भरत मुनि, तो ये जो भरत आ रहा है ना ये भरत प्लस आचार्य है, भरत नाम की मुनि हुए हैं जिन्होंने संगीत में योगदान दिया, और भरत प्लस आचार्य, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भरताचार्य, संधि कर दी तो ये हो गया भरताचार्य, ऐसे। तो अभिनव भारताचार्य नहीं है, भारत से को भारत तो समय कोई चीज ही नहीं थी, भारत तो ये तो 20वीं शताब्दी का कॉन्सेप्ट है, इंडिया भारत, पहला आर्टिकल इंडिया दैट इज भारत, तो ये भरत, जो उपाधियों में बताया था मैंने अभिनव भरताचार्य उपाधि संगीत, क्वेश्चन ये आता है कि संगीत में निपुण होने के कारण कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो वो क्या है,
अभिनव भट्टाचार्य, और संगीत की तीनों विधाएं आ गई, गीत, वाद और नृत्य, संगीत की विधाएं हैं ये, समझ गए। फिर सारंग व्यास है ना, ये सारंगधर सारंग व्यास सेम ही है, यहाँ पर लिख लो सारंगधर, सारंगधर और सारंग व्यास सेम है। ये कुंभा के क्या थे, संगीत गुरु थे, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे इसी किताब का नाम क्या, संगीत आगे रत्नाकर, रतन के समान थे कुंभा के लिए, एक रतन थे कुंभा के, तो संगीत रत्नाकर, समझ गए। ये काना व्यास जो थे वो काव्य गुरु थे, कैसे काना कैसे काव्य, काव्य का मतलब क्या होता है, जैसे अपन कविताएं लिखते हैं वो काव्य होता है, ठीक है, कि मतलब जैसे चार चार पैराग्राफ जैसे अपन ने लिख दिए कविता में, अपन देखते हैं ना ऊपर एक पैराग्राफ होता है, नीचे एक पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ के अंदर करीबन चार पंक्तियां होती हैं कि नहीं होती हैं, तो ये काव्य होता है, काव्य शैली जो अपन जैसे देखते हैं, ऐसे चौपाई जैसे अपन देखते हैं हनुमान चालीसा जैसे आप पढ़ते हो, हनुमान उसमें दो दो होती हैं, एक और दो वो चौपाइयाँ होती हैं, ऐसे समझ गए। ये चौपाइयों में से चार चलती हैं, दोहे जैसे होते हैं ना, दोहे पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, दो में दो चलते हैं, और चौपाई के अंदर ये एक दो तीन चार, ऐसे रामचरितमानस में जैसे अपन देखते हैं ऐसे चार, और काव्यों में ही ऐसे ही पैराग्राफ। तो काव्य गुरु कौन, काना व्यास, तो कैसे तो काव्य, और कैसे काना व्यास, कै बराबर कह लिख दो, है ना, इनको थोड़ा थोड़ा बनाते चला करो ऐसे, क्ल्यू मदद करेंगे बाद में, सॉरी यहाँ पे काना व्यास। और कुंभा खुद कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, वीणा बजाता था, है ना, इसमें कुछ नहीं कर देना है, तबला नगाड़ा ऐसा को भी कुछ नहीं करना है, और समुद्रगुप्त बजाता था अपने यही वीणा, ठीक है ना, अकबर को बजाने का शौक था नगाड़ा, यहाँ पर डैश में कर लियो अकबर बराबर नगाड़ा, तो सांस्कृतिक उपलब्धि होती है एक तरह से, समझ गए। तो ये देखा अपने संगीत राज और कैसे वो डिफरेंट है संगीत रत्नाकर से। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं संगीत मीमांसा, मीमांसा की बात होती है कि उसमें चर्चा करना है ना, कि उसके बारे में मंथन करना, कि अच्छा जैसे आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में मंथन कर रहे हो, अच्छा यार स्थापना के क्वेश्चन ये है, एक्ट के संगठन के ये, कितना कार्यकाल, कौन हटाएगा कौन लगाएगा, ये कौन सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा, कौन पहला था, कौन वर्तमान में है, तो अपने क्या मीमांसा करी, मीमांसा का मतलब होता है उस चीज़ के ऊपर सोचना। जैसे अपन षट दर्शन पढ़ते हैं भारतीय धर्म के अंदर, भारतीय फिलोसफी के अंदर, उसमें एक मीमांसा आता है उत्तर और पूर्व। फिर आता है ये सूड प्रबंध, सूड है ना, सूड प्रबंध और सुधा प्रबंध है ना, ये तो दोनों चीज़ें ना ये सूड प्रबंध के बारे में लिखी हुई हैं, ये कि एक के अंदर ही आएंगी लाइन, ये आप लाइन काट दो, ये सूड पर यूँ ऐसे ब्रैकेट बना दो, देखो इधर यूँ ब्रैकेट बना के एरो कर दो, ये सूड प्रबंध में ही है क्या, राजाश्रित संगीतकारों के नाम जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, कि कुंभा के दरबार में कौन कौन सुशोभित थे वो अभी पढ़ेंगे अपन, सारंग दराज काना व्यास दो तो देख लिया अपन ने ये, और रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ है ये, रसिक प्रिया है ना, रसिक प्रिया देखो ये क्या है, इधर देखो इसको ऐसे लिखो रसिक प्रिया, ये ऐसे नहीं समझ में आएगी आपको, सबसे पहले तो लिखो गीत गोविंद, गीत गोविंद के बाद लिखो रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया के बाद लिखो क्या, अभी अपन ने पढ़ा कौन सा प्रबंध, सूड, ये सूंड नहीं है ये सूड है ना, ऊपर अपन बिंदी लगा दे तो बन जाता सूंड, वो आती वाली सूंड, ये सूड है ठीक है, ऐसे लिखो ये, सबसे पहले तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी लक्ष्मण सेन के दरबार में, काफी बार बताया मैंने गीत गोविंद, जिसमें कृष्ण की जो अपन देखते हैं कि लीलाओं का जो वर्णन है वो है, गोपियों के साथ जो सारी लीलाएं हैं वो, तो गीत गोविंद, तो गैसे गीत गैसे गोपियां, समझ गए, ऐसे ये क्वेश्चन आता है कि गीत गोविंद में क्या है, या कृष्ण की जो गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं वो कौन से ग्रंथ में मिलती हैं, तो गीत गोविंद में मिलती है, पहली चीज़ तो ये। गीत गोविंद पे कुंभा ने जो टीका लिखी है उसका नाम है रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया का एक पूरा ग्रंथ हो रहा है कि जैसे मान लो कुछ वो छूट गया ऐसे रहना रसिक प्रिया में, तो वो किस में लिखा है उन्होंने कुंभा ने, वो सूड प्रबंध में लिखा है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर तो आता है कि रसिक प्रिया किस पर टीका लिखी है कुंभा ने, गीत गोविंद पर लिखी है, रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ, तो गीत गोविंद पूरक ग्रंथ नहीं है यार, गीत गोविंद से तो वो निकला है रसिक प्रिया खुद ही। फिर जैसे मान लो रसिक प्रिया के अंदर दो चैप्टर और जोड़ने थे, अपन नहीं जोड़ पाए, तो फिर कौन सा ग्रंथ और लिखा गया, सूड प्रबंध, ऐसे समझ लो, इसमें ये लिखा हो ना पूरक, जैसे कॉपी भर जाती है तो अपन बोलते हैं मैडम सप्लीमेंट्री कॉपी दो, तो ये है वो पूरक ग्रंथ, ऐसे ये चीज़ है अपने को।
बाकी देखो रसिक प्रिया आप जैसे जानना चाहो, देखो नीचे लिखा हुआ है, देखो इधर ये कुंभा द्वार अच्छे टीका है, ये देखो रसिक प्रिया सेकंड नंबर वाली क्या लिखा हुआ है, गीत गोविंद जयदेव पर टीका, अभी हमें सुधा पढ़ेंगे अपन, विषम घाटी में चलना आएगा, समझ गए। तो ये छोड़ो, आप जैसे आप अपन से क्वेश्चन आए कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें जितने भी उसका दरबारी कवि या राजाश्रित कवि थे उनका उल्लेख है, तो कौन सा ग्रंथ है वो, सूड प्रबंध, ठीक है, मतलब सभी के नाम है उसमें, सूड सूड में सभी आ गए, सूड है लेकिन सूड अपन पढ़ लो, सूड में सभी उसके राजाश्रित आ गए, और रसिक प्रिया का पूरा ग्रंथ कौन सा हो गया, सूड प्रबंध, नाम से दिख रहा अपने को अलग, सूड सुधा प्रबंध कोई खास नहीं, हरिवार्तिक देखो बाकी कोई खास नहीं है, कामराज हृदय सार के 7 भाग पूछे जाते हैं ये, फिर एकलिंग महात्म्य में आ जाओ, एकलिंग महात्म्य समझ रहे ये। अब देखो क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि रचियता है इसका कान्हा व्यास, अभी अपन ने कह बराबर क्या किया था ना, आया था भी कह बराबर क्या, वो कौन सा था, काव्य, ऐसे ही क्लू काम आता, देखो काव्य गुरु थे कुंभा के, पहली चीज तो यहाँ ये आ गई, तो सर फिर ये इसके ग्रंथों में क्यों लिखा हुआ कुंभा के, अग्रि कान्हा व्यास ने लिखा है, तो इसमें क्या है, देखो इसके 2 भाग हैं, प्रथम भाग है ना, प्रथम भाग का रचियता कौन है, कुंभा है, और द्वितीय भाग के रचियता कान्हा व्यास है ना। अब जो 90% जो वॉल्यूम है ना कुंभा, इसमें आगे लिख लो 90% जो इस बुक का वॉल्यूम है, मतलब इस पूरी किताब एकलिंग माध्यम का जो 90% जो भाग है वो भाग एक के अंदर ही है, मतलब जो सार है जो वॉल्यूम पेजेस देख लो वो, और दूसरा भाग जो है ना वो लिखा है कान्हा व्यास ने। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, इधर देखो, इधर अपन देखो देख रहे हैं, देखो किताब देखो ये याद कैसे रहती है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एकलिंग का, एकलिंग माध्यम का, देखो इधर एकलिंग माध्यम में मैंने क्या लिखा, एक ये है ना, भाई बिड़ते एक आ रहा है, तो यार ऐसा करो एक भाग तुम लिख लो एक भाग मैं लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है इसके अंदर, एक भाग तुम लिख लो एक भाग मैं लिख लूँ। अब सर फिर बात ये है कि अब पहला भाग किसने लिखा, तो मुझे एक चीज़ बताओ, एक तो है साला शासक और एक है उसका दरबारी कवि, तो ज़्यादा हैसियत किसकी है, कुंभा लिखेगा दूसरा भाग, अच्छा चाहे कुंभा ने लिखा ही बाद में लेकिन वो बाइंड होते होते वो भाग पहला बन गया, वो है कि नहीं, वो कुंभा कुंभा ही यार, ऐसे थोड़ी कुंभा जी है, ये चीज़ है, पहला भाग कुंभा ने लिखा है, दूसरा भाग कान्हा व्यास ने लिखा है, ये चीज़ है ना, एक एक लिख लेते हैं यार, एक तुम लिख लो एक मैं लिख लूँ, तो ग्रंथ कौन सा हो गया, एक लिंग महात्म में खत्म, प्रथम भाग की कुंभा, तो ये एक एक से याद रहेगा, देखो ये क्योंकि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आप जैसे देखोगे ना कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा का नहीं है, तो उसमें निर्मला कई बार ये आएगा कि एक लिंग महात्म में उसमें ऑप्शन में होएगा लेकिन वो आंसर नहीं होएगा, क्योंकि एक लिंग महात्म में पूरा ग्रंथ कुंभा का नहीं है, पूरे ग्रंथ तो वो हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, नहीं वो तो सारंग व्यास आ गया, और जब बात करेंगे इसकी अपन किसकी, एकलिंग माध्यम में भी, वो भी पूरा कुंभा का नहीं, ऐसे है ना, फिर आपको कन्फ्यूजन होएगा यार एकलिंग माध्यम तो कुंभा वाली लिस्ट में था, तो फिर ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे एक ही एक है यार, एक तुम लिखो एक मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं शासक हूँ तो मेरा ज़्यादा माना जाएगा नाम और ज़्यादा मैं लिखूंगा, समझ गए, ये चीज़ है यहाँ तक। फिर ये ग्रंथ जो कुंभा की लिस्ट के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर वो मिला रहता है, दैट इज कला निधि, है ना, तो आज से क्या है, अभी तक तो आप पढ़ लिए तो पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब से आप कभी भी आप कला निधि पढ़ो ना तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे गोविंद कला निधि, क्या बोलोगे, गोविंद कला निधि, बस गोविंद की कला है ना, क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे ये अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मंडन की किताबें अलग ही निकालनी होती है ना, तो अपन हर किताब के पीछे मंडन नाम लगाते हैं, तो वो अपने जहन में चढ़ जाता है कि हाँ यार ये मंडन 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 ऐसे, समझ गए, तो ये है गोविंद कला निधि, ऐसे गोविंद कला निधि, यहाँ बैठो, ठीक है ना, गोविंद कला निधि ऐसे, तो गोविंद जैसे आप बार बार इसको बोलोगे गोविंद कलानी, तो अपने आप ध्यान आ जाएगा कि ये गोविंद की किताब है, ये कुंभा की किताब ही नहीं है, तो अपन को निकालना भी आना चाहिए, मतलब एलिमिनेशन अप्रोच की यार कैसे है, वो भी बिल्कुल फैक्ट्स के साथ याद आनी चाहिए अपने को। तो गोविंद फिर सर था कौन, ये मंडन का पुत्र था, कैसे अपने बनाया था, जे नापा छोटा सा बना लो या क्या दिक्कत है, सबसे सीनियर मंडन, और मंडन के पुत्र थे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, भौगोलिक संकेतक, जी से गोविंद, आई से खत्म, और इस गोविंद की किताब का नाम है क्या, कला निधि, ये जी के ऐसे बनेगा ये।
और जहां भी किसी का भी एक का नाम आ जाए ना, मंडल का नाम आ जाए, फट पर एंट्री बनाओ, छोटा ही बना दो यार, क्या दिक्कत है, लेकिन बनाओ जरूर, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, ये घुमा देंगी आपको, जैसे वो अत्रि महेश और तिल्ला भट्ट का आता है, तो हमेशा बनाओ AMT, समझ गए, ये चीज है। फिर अपन नीचे आ जाते हैं, ऊपर जो अभी अपन पढ़े ना 11, वो थे क्या थे, वो ग्रंथ थे, ग्रंथ इन द सेंस कि वो ओरिजिनल कंपाइलेशन थी कुंभा की, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं था, या किसी ने जो बात कह दी उसका आगे उसका वर्णन नहीं था। बात क्या कह दी, जैसे एक बार मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था, एक बार मैंने एक किताब में तो लिखा हुआ था कि दिल्ली लिखी हुई थी, दिल्ली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था कि मैंने ये किताब पढ़ी तो मैंने देखा यार दिल्ली लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्या दिल्ली क्या दिल्ली, तो मैंने मेरी लिखी ना जैसे यूँ लिखा कि मैंने दिल्ली के अंदर लिख दिया कि दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है ना, गेट वे ऑफ इंडिया बॉम्बे में, और दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है, ठीक है, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है, तो लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैंने यूँ लिख दिया, ये तो मेन किताब के अंदर लिखा हुआ था, मैंने यूँ लिख दिया मेरी किताब के अंदर कि देश की जो राजधानी है वहाँ पे इंडिया गेट है। चीज़ तो वही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जिसको दिल्ली नहीं पता उसको ये भी जान लेगा कि ये देश की अपनी राजधानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया एक तरीके से कि दिल्ली क्या है, दिल्ली देश की राजधानी है। तो जो ये एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब अपन 10th तक आपने जब पढ़े तो मैथ्स है, तो मैथ्स जैसे नहीं होती थी तो वे को कुंजी लेके आ जाते थे, है कि नहीं, कि वो NCERT की कुंजी दे दो, पढ़े होगे कुंजी से ये वो, तो ये वो कुंजी में क्या होता था कि उस चैप्टर में जो कलिष्ठता है उस कलिष्ठता को दूर कर दिया था उस कुंजी ने, तो वो चीज़ थी, ठीक है। तो ये कुंभा द्वारा रचित जो टीकाएं हैं ये क्या हैं, ये RRC हैं, है ना, RRC को वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। सबसे पहला R क्या है, संगीत रत्नाकर। अब आप देखो, अब यहाँ आ रहा है टीका, तो टीका का मतलब है यार ये ओरिजिनल ग्रंथ नहीं है, ये किसी को है ना सिंप्लीफाइड करने के लिए लिखा हुआ है, तो ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल ग्रंथ भी अलग है और ओरिजिनल ग्रंथ को लिखने वाला भी अलग, जब ग्रंथ ही अलग है तो लिखने वाला अलग ही होगा ना, नहीं तो ऊपर जो अपन 11 पढ़े उसी के अंदर नाम होता है कुंभा के होते, समझ रहे हो ना ये चीज़। तो संगीत रत्नाकर एक RRC है ना, सबसे पहले रत्नाकर, तो रत्नाकर ग्रंथ किसका है, फिर सारंग दरगाह, जो कुंभा के कौन से गुरु थे, संगीत गुरु थे, लिखो ना, संगीत रत्नाकर की रचयिता है सारंगदर, अभी अपन दरबारी कवि पढ़ेंगे तब वो आएगा। फिर दूसरा है रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया का नाम कभी भी आए तो हमेशा लिखा करो गीत गोविंद, फिर रसिक प्रिया, और फिर अभी अपन ने पढ़ा था कौन सा प्रबंध, सूड प्रबंध, पूरा ग्रंथ ना रसिक प्रिया का लिखा था अभी अपन ने, तो इसमें ना यहाँ पे डैश करके लिख लो, आगे यहीं पे लिख लो रसिक प्रिया, कि रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ, पूरक ग्रंथ कौन सा है, सूड प्रबंध है, तो ये अपन को ध्यान में आ जाएगी ये चीज़। कोई भी जैसे जो मिलती जुलती चीज़ हो ना उसको बार बार लिखा करो, वहाँ भी लिखी और यहाँ भी लिखी, फायदा क्या हुआ, याद हो गई है ना, फायदा ये हो गया कि मेरे को याद हो गई ऐसे, ठीक है, ये हो गई संगीत, ये रसिक प्रिया बहुत पूछता है ना, गीत गोविंद बहुत पूछा जाता है और गीत गोविंद के बराबर ही पूछा जाती है रसिक प्रिया, समझ गए। फिर तीसरा अपन आते हैं, ये हो गया, फिर आते हैं सी के अंदर, RRC सी क्या है, ये चंडी शतक है, ठीक है, चंडी शतक पर ठीक है, तो फिर चंडी शतक की रचयिता कौन है, बाण भट्ट है ना, इसको एरो भट्ट नहीं कर देना है या बो भट्ट नहीं कर देना है, ये बाण भट्ट है, और ये किसका दरबारी कवि था, ये हर्षवर्धन है ना, गुप्त शासकों के बाद अपन पढ़ते हैं वर्धन डायनेस्टी, थानेश्वर के वर्धन, ठीक है, ये वर्धन, तो इनमें शासक था हर्षवर्धन, जिसके समय ह्वेनसांग आया था, है ना, लिख लो आप ह्वेनसांग, ह्वेनसांग CU के ग्रंथ लिखा है ह्वेनसांग ने, हर्षवर्धन 606 से 647 है इसका काल, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, 606 से 647 है ना, 1606 नहीं है, अब आदत आपकी 1600 पड़ी हुई है ना, 1600 नहीं है केवल 606 है, 606 से 647 RSP के अंदर दो बार ये क्वेश्चन आया और सिर्फ इसकी ये पूछी थी तारीख, है ना। अब ऐसा नहीं कि जैसे सभी के पूछते हैं, इसकी डेट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अपन क्या जैसे देखते हैं कि एक वो जो पूरे मध्यकाल का जैसे जो पीरियड होता है ना, मिडिवल हिस्ट्री जैसे होती है वो चालू होने लग जाती है दबे स्वरों के अंदर, और उसी का क्लाइमेक्स देखते हैं अपन करीबन 400 साल बाद, जब वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है
ऐसे समझ गए। तो ये अपने 46 हर्षवर्धन काल। ओके, जो अपन देखते हैं ना, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 91 में। दूसरा कब हुआ? 92 में। तो यहां से तो फिर मिडिवल हिस्ट्री चालू हो जाती है। पूर्व मध्यकाल जो है ना, अर्ली मिडिवल हिस्ट्री, वो चालू होती है हर्षवर्धन से। क्योंकि अपन जो देखते हैं मध्यकालीन जो प्रथाएं थी, जैसे सती हो गई, प्रदा प्रथा हो गई, वो यहां से शुरू होने लगी। फ्यूडलिज्म है, सामंतवाद। गुप्तों तक भारत एक था ऑलमोस्ट, गुप्तों के बाद टूटने लगा। गुप्त यही तो समुद्रगुप्त गया था, अभी चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, वो सारे, समझ गए। तो चंडी शतक किस पे टीका है, मतलब चंडी शतक किताब का रचयिता तो कौन है? बाणभट्ट है। और उस पे टीका किसने लिखी है? उस पे कुंभा ने लिखी। तो ऐसे करके कुंभा की अपने तीन टीकाएं हो गई। कौन सी? RRC, संगीत रसिक प्रिया, और सी चंडी RRC। हाँ, इसमें, हाँ इसमें क्या, ये तो गीत गोविंद, मतलब गीत गोविंद, मतलब क्या, रसिक प्रिया गीत गोविंद पर टीका है। और गीत गोविंद लिखी किसने है? जे जयदेव ने लिखी है। और ये कहाँ, जयदेव, जयदेव जो है ये किसके दरबार में था? यहाँ पे लक्ष्मण सेन और लिख लो, ये बंगाल के राजा थे लक्ष्मण सेन, उनके दरबार में था ये आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये। मतलब गीत गोविंद के काफ़ी वेराइटीज़ में क्वेश्चन बनते हैं, गीत गोविंद किसने लिखी, जयदेव ने लिखी, क्या है इसके अंदर, कृष्ण की लीलाएँ हैं इसमें, लीला भी लिख लो, कृष्ण की गोपियों के साथ लीला, गीत गोविंद कृष्ण की जो गोपियों के साथ रासलीला जो अपन देखते हैं, गोपियां, और ब्रैकेट में लिख लो रासलीला, रासलीला, ठीक है ना, रासलीला। ठीक है, ये रासलीला, गाना सुना ही होगा आपने वो, कि कृष्ण जी करे तो लीला और हम कर सारा करेक्टर डीला, सुना ही होगा कौन सा गाना था वैसे, तो वही हुआ रासलीला। ठीक है, तो गीत गोविंद, जयदेव पर टीका और लक्ष्मण सेन, ये समझ गए। अब फिर यहाँ पे क्या नेक्स्ट इसमें चीज लिखी, हमीर सिसोदिया जो है ना, उसको वीर राजा बोला गया। तो अपन ने जो मेवाड़ में आपने शुरू में जैसे पढ़ा होगा, तो हमीर, एक तो हमीर हुआ है वो रणथंभौर के अंदर, वो अमीर अलग था, और ये सिसोदिया लगा दिया तो आपको पता चलेगा कि मेवाड़ के अंदर है। और इसी को अपन जैसे बोलते हैं हमीर सिसोदिया को, कौन सा पंचानन? विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, अनचानन। तो विषम तो क्या होता है? विपरीत परिस्थितियाँ। घाटी का मतलब आप गलत समय, खराब समय से निकल रहे हो, और पंचानन की उसमें शेर के समान अडिग रहना, शेर के समान साहस दिखाना। तो ये थे हमीर सिसोदिया की टाइटल, विषम घाटी पंचानन। जब मेवाड़ का जैसे शुरू का ना सर तीसरा वीडियो है, उसमें बता रखा है अपन ने सिसोदिया वंश की शुरुआत, जब अपन पढ़ते हैं गुहिल, गुहिल के बाद सिसोदिया वंश, ऐसे। ठीक है, हमीर वीर राजा। तो ये हो गया अपने कुंभा द्वारा रचित टीकाएं। कई बार पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कुंभा की टीका नहीं है? तो अब संगीत राज क्या टीका है क्या कुंभा की? क्या है वो? तो ओरिजिनल ग्रंथ है संगीत राज, तो संगीत क्रम दीपिका अपन जैसे देखते हैं, तो क्या कुंभा की टीका है क्या? वो ग्रंथ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रंथ और टीका में पहले फर्क जानो। ग्रंथ अपने आप में यूनिक ग्रंथ है, वो किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है, किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है। और टीका क्या है? टीका एक्सप्लेनेशन है। ये जो गीत गोविंद में जो चीज़ लिख दी है ना, तो कृष्ण जी जैसे कहना चाह रहे थे गोपी से कुछ, तो कृष्ण जी ने इशारों के अंदर बात कही, वो समझ में नहीं आई, तो कुंभा ने लिखा रसिक प्रिया, और उसने उसने लिख दिया कि हाँ कृष्ण जी का आशय ये था, यूं समझ गए, ये चीज़ थी इसके अंदर। तो ग्रंथ और टीकाओं में अपन को अलग अलग रखना है। क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, अब स्टूडेंट देखता है यार संगीत राज भी कुंभा की है और रसिक प्रिया भी कुंभा की है, लेकिन अब इसके अंदर चारों कैसे करूँ मैं, चारों तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत आ गई, क्वेश्चन ही गलत है। अरे नहीं बुद्धू, क्वेश्चन सही है। रसिक प्रिया क्या है? ग्रंथ नहीं है, वो टीका है। चंडी शतक ग्रंथ नहीं है, वो चंडी शतक पर टीका लिखी है उसने। और जैसे गीत गोविंद पर टीका का नाम रसिक प्रिया है ना, ऐसे चंडी शतक पर जो टीका उसका कोई नाम नहीं है। मैंने क्या बताया, गीत गोविंद ओरिजिनल ग्रंथ है, गीत गोविंद पर टीका लिखी उसका नाम लग गया रसिक प्रिया, समझ रहे हो। अब चंडी शतक पर जो टीका लिखी है उसका कोई नाम नहीं है, जैसे रसिक प्रिया नाम है, वो सिर्फ यूं है कि चंडी शतक पर टीका, समझ रहे हो ना चीज़ को, ये चीज़। जैसे संगीत रत्नाकर है, तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ ही है, बस उस पर उसके उस टीका का कोई नाम नहीं है अलग से, तो दो ग्रंथों का नाम नहीं है, वो ओरिजिनल ग्रंथ के नाम से बस टीका वर्ड जोड़ा है उसमें अपन ने। जबकि गीत गोविंद जो है उसकी जो टीका का जो नाम है, जो कुंभा ने लिखी उसका किताब का अपने आप में नाम है, वो क्या नाम है? वो रसिक प्रिया। और बाकी तो संगीत रत्नाकर और चंडी शतक पर टीका टीका लिखी हुई है ना, लेकिन अपन रसिक प्रिया में क्या टीका दिख रहा है क्या आपको? रसिक प्रिया पर टीका नहीं लगा हुआ,
तो रसिकप्रिय अपने आप में एक पूरा फुल फ्लेज ग्रंथ है, लेकिन वो टीका के रूप में, टीका इन द सेंस कि वो गीत गोविंद का फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ कुंभा द्वारा रचित चार नाटक, इन नाटकों का नाम नहीं मिलता है लेकिन टोटल है चार। अब जो थोड़ी सी गिनती पे यहाँ ध्यान फोकस करो, संगीत राज में कितने के भाग पढ़े थे अपन ने? पांच। काम राज के अंदर कितने भाग पढ़े थे अपन ने? सात। समझ रहे? और अब अपन आ गए, जैसे कुंभा कितने नाटकों में पारंगत था, कितने नाटक लिखे? चार। तो चार पाँच सात अपन को ध्यान होना चाहिए। इधर देखो मैंने कैसे लिखा, चार पीछे नहीं लिखा है, चार सबसे पहले, चार तो नाटक, पांच भाग संगीत राज के, और सात भाग किसके? कामराज रतिसार के। काम करना है सातों दिन ऐसे, ठीक है? और वो एक लिंग मातम में तो है ही, एक तुम लिखो एक मैं लिख लेता हूं यार, दोनों लिख लेते हैं बैठ के, क्या दिक्कत है उसके अंदर, ऐसे है ये चीज, ठीक है ना? एक तो चार तो नाटक लिखे हैं कि सर अभी नाटक कहाँ से आ गए बीच में? अरे पागल, जैसे अपन ने शुरू के अंदर जब बात चालू करी थी, बात भिड़ते नाम आया था संगीत राज, संगीत की तीन विधाएं होती हैं, अपन ने जीवीएन लिखा था, जीवीएन लिखा था नहीं था? जी से गीत, वी से वाद, एन से क्या था? नाटक और नृत्य तो था, तो आ गया ना इसने, ये नाटक में ही पारंगत था, है ना? चारों की भाषा है मेवाड़ी, ठीक है? और कुंभा को ज्ञात अन्य भाषाएं कौन सी थी? संस्कृत थी, मराठी थी, कन्नड़ थी। ये महाराष्ट्र हो गया, कन्नड़ कर्नाटका हो गया, संस्कृत उत्तर भारत थी, और चारों नाटकों की भाषा है मेवाड़ी, मेवाड़ में बोले जाने वाली भाषा मेवाड़ी हो गई, ऐसे कुंभा खुद ही मेवाड़ी था, है ना? ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये जैसे नाटक कितने नाटक, टोटल चार है, किन किन भाषाओं का ज्ञान था? तो मेवाड़ और संस्कृत तो इजी आप ध्यान रख लो, तो उसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटका देख लो। अपन जैसे देखते हैं भारत का मैप, जैसे अपन देखते हैं तो ये रहा महाराष्ट्र, उसके जस्ट नीचे रहा कर्नाटक, ऐसे। और बाकी जैसे आप पढ़ोगे संविधान, जैसे आप पढ़ते हो तो विधानसभा तो अपन को दिखती ही है सारे अपने 30 के 30 राज्यों में, लेकिन विधान परिषदें जो हैं वो 30 राज्यों में नहीं होगी, वो 6 में ही है, 6 में से 2 यही है महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऐसे भाई। जैसे ऊपर देखते हैं अपन, यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में है, 6 राज्यों में है ना अपने विधान परिषदें, उच्च सदन राज्यों के अंदर, राज्यों की जिसको राज्यसभा बोलते हैं, राज्यों की राज्यसभा, विधान परिषदें, तो 2 राज्य तो यही है महाराष्ट्र और कर्नाटक, है कि नहीं है? ऐसे टोटल 6 राज्यों में, तो याद कैसे रखोगे? 2 तो ऊपर है यूपी और बिहार, फिर 2 नीचे हैं साइड में, क्या? महाराष्ट्र और कर्नाटक, और 2 इधर हैं साइड में, क्या? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, खत्म। तो 2 2 2 2 4 6 होगी ना, याद होगी कैसे बताया मैंने? 2 तो ऊपर है मैदानों में यूपी और बिहार, 2 इधर साइड में, एक साथ है सिदाई में महाराष्ट्र और कर्नाटक, 2 इधर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भाई आंध्र प्रदेश से कट के तो तेलंगाना बना है, तो उधर ऐसा चला गया उसका, समझ गए? ठीक है, ऐसे करके ये इसको देखो, तो ये नाटक हो गया अपने सारे, है ना? एक बार इसका रिवीजन कर लो थोड़ा सा, है ना? रिवीजन करो, फिर इसमें आगे ये तो मतलब ये तो ग्रंथ है, फिर दरबारी कवि और देख लेते हैं।